हेलो दोस्तों, अगर इस तरह का यह सिंपल काम अगर आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस सिंपल काम में जो भी चीज़ लगा हुआ है मैंने फुल डिटेल इसका बता चुका हूं कि इसमें कितना बाय कितना का पाटा लगेगा, कितना फूल लगेगा, कितना ऑर्किड लगेगा, कितना कपड़ा लगेगा और कितना मिस्टीरियम जो लगा हुआ है वो कितना लगेगा। तो वीडियो को अगर समझना है, इस तरह इस काम को अगर सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो मैं वीडियो आप शुरू करता हूँ, समझ देख लीजिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक सिंपल स्टेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। एकदम सिंपल है, 12x10 का स्टेज है, 12 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा। तो उस स्टेज में आप वो कितना कौन सा सामान लग जाएगा, फ्लावर हो चाहे पाटा हो, कितना लगेगा मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ कि उसमें कितना बाय कितना का पाटा और कितना बाय पिलर तो नहीं लगेगा उसमें, जितना भी जो भी लगेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो वीडियो को समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखेगा तब तक आप नहीं समझ पाइएगा इसमें कैसे क्या क्या लगाया गया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पाटा ले लेना है, 3 गो पाटा, 7x4 का पाटा आता है, देख लीजिए। जैसे कि पाटा है, देख लेना, इसका साइज जो है 7x4 है, 7 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा, देख लीजिए। इसका साइज जो है 4 फीट लंबा है, 7 फीट लंबा है, 4 फीट चौड़ा है। तो ये आपको 3 गो ले लेना है, 3 गो पाटा लेना है, ये समझ गए ना आप बात को। 3 गो पाटा आपको ले लेना है। इस पाटा में जिस तरह से कपड़ा लगाया गया है, देख लीजिए, इस पाटा में जिस तरह से कपड़ा लगाया गया है इसको रोटो कपड़ा बोला जाता है। इसमें जो कलर आपको पसंद हो, फिलहाल तो इसमें वाइट और पिंक लगा हुआ है, लेकिन इसमें कि जिस कपड़ा में जो कलर का आपका आपको पसंद हो वो कलर आप ले सकते हैं, वो कलर कपड़ा आप लगा सकते हैं। ये पाटा हुआ, अगर आपके पास पाटा नहीं है तो पाटा 1 इंची पाइप में बना हुआ है, स्क्वायर पाइप 1 इंची आता है, वही 1 इंची पैंप में बना हुआ है। यह सेम चीज़ आप 1/4 इंची पैंप में ही बना सकते हैं, ये जो है 1/4 इंची पैंप में है, 1/4 इंची स्क्वायर पैंप ये हुआ, इसमें भी आप बना सकते हैं, देख लीजिए इसमें ही बना हुआ है और ये 1 इंची पैंप है, स्क्वायर पैंप इसमें ही बना हुआ है। तो इस तरह का आपको 7x4 का पाटा जो है 3 गो ले लेना है, ठीक है। इसमें जो आपको कपड़ा लगा लेना है, कपड़ा जो भी कलर का आपको लगाना हो, इसमें रोटो कपड़ा लगता है, किसी भी पंडाल की दुकान में आप जाइएगा, कहेगा भैया रोटो कपड़ा हमको देना, प्लेन रोटो कपड़ा इसका नाम हुआ, ये प्लेन कपड़ा आता है, बिंदी वाला कपड़ा नहीं है, प्लेन रोटो कपड़ा ले लीजिएगा। अब लेने के बाद इस कपड़ा पाटा में जो है कपड़ा को लगा लेना है। अब इसमें उसी जो लगेगा जिसमें आप फूल लगाइएगा, तो उसी इसमें 3 पीस लगेगा, जो कि 3 गो पाटा है, तो इसको आपको 3 गो पीस उसी लेना है। तो कैसा उसी लेना है 3 गो पीस मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही उसी हुआ, देख रहे ना, 5 पीस लगा हुआ जाली में लगा हुआ है, इसको आपको लगाना पड़ेगा खुद से। अगर आप नहीं लगाना नहीं जानते हैं तो मेरे वीडियो पर मेरे चैनल पर जा कर के सर्च मारना है कि जाली में उसी कैसे लगाएं, तो आपको मिल जाएगा, वहां से आप सीख सकते हैं। देख लीजिए 5 पीस उसी है, जैसा कि मैं आप दिखा देता हूं, मैं आपको इसमें 5 पीस लगा हुआ है, देख लीजिए यहां से उसी का जो यहां से उसी का कट होता है, सिंगल उसी हुआ, एक वही उसी हुआ, दूसरा उसी, देख लीजिए तीसरा उसी, चौथा उसी, पाँचवा उसी, इस 3 गो ही लेना है आपको। 3 गो लगाने के बाद देख लीजिए इस तरह से आप लगाइएगा तो 1 गो पाटा में आपको 1 पीस उसी लगता है, देख रहे ना, देख लीजिए यहाँ से 4 फीट है, ये पूरा उसी का साथ जो 4 फीट आता है, तो इसी हिसाब से इसको जो है ऊपर में आपको इस तरह से ऊपर में लगता है उसी, ठीक है। इस तरह से आपको 3 गो उसी ले लेना है और कपड़ा आपको कपड़ा जो इसमें लगाने के लिए लेना है वो आपको 2 बंडल कपड़ा लेना है, 2 बंडल कपड़ा में आपका 3 गो पाटा में कपड़ा लग जाएगा, 2 बंडल कपड़ा लीजिएगा तो 2 बंडल में आपका पाटा में कपड़ा आप लग जाएगा, तो समझ ही गए आप, 3 पीस आपको उसी लेना है पाटा में लगा, लेकिन 3 पीसों से लेना है और 2 मंडल कपड़ा लेना है। इसमें जो फ्लावर आप यूज कीजिएगा, देख लीजिए फ्रेंड, इस तरह का भी फ्लावर इसमें लगा हुआ है, जो सिंपल स्टेज में आपको दिखा रहा हूँ उसमें इस तरह का फ्लावर है, इसको मिस्टीरियम बोला जाता है, 3 पत्ती लटकन, समझ गए ना, इसको 3 पत्ती लटकन बोला जाता है। तो ये आपको लमसम 1 दर्जन लग जाएगा, उसमें 12 पीस लग जाएगा, 600 पीस का 1 दर्जन आता है, 600 रुपया का, 600 रुपया में आपको 1 दर्जन आ जाएगा। तो ये डेकोरेशन करने के बाद जो है नीचे से इसको लगा दिया जाता है, इसके बाद जो आपको कार्नेशन लेना है, कार्नेशन आपको लेना है कम से कम 500 पीस कार्नेशन लेना है, देख लीजिए इस तरह का कार्नेशन आता है, देख रहे ना, कार्नेशन जो भी कलर का आपको लेना होगा वो ले सकते हैं, इस तरह का कार्नेशन आपको आएगा 4 पत्ती में, तो कार्नेशन ले लीजिएगा। कार्नेशन लेने के बाद उसमें आपको ऑर्किड लगेगा, देख लीजिए ये ऑर्किड हुआ, ऑर्किड भी आपको कम से कम 200 पीस ले लेना है, 200 पीस ऑर्किड लेना है, 500 पीस कार्नेशन ले लेना है और 3 गो पीस से उसी लेना है, इस तरह का उसी जैसे कि मैंने आपको कहा था, 3 गो पीस उसी लेना है जो उसी में जाली लगा हुआ रहता है। अगर आपको जाली लगा हुआ नहीं लेना, अगर पेटी उसी लेना है तो उसका भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उसी का पेटी किस तरह का आता है और उसी आपको लगाना कैसे है।
ये हुआ सनफ्लावर उसी, देख रहे हैं ना, सनफ्लावर उसी, इसी को उसी बोला जाता है सनफ्लावर उसी। तो इसका एक डिब्बा आपको 330 रुपये में यहाँ दरभंगा का रेट है, ये दरभंगा में आपको मिल जाएगा 330 रुपये पीस। और उसी आपको इस तरह से रहता है, देख लीजिए, ये हुआ उसी, उसी आपको इस तरह से इस तरह से रहेगा। इसको जो है चार खंडी काटना है, इसको चार खंडी काट करके इसमें जाली लगाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जाली अगर आपको लगाना है तो मेरे चैनल पर जा करके आप सीख सकते हैं कि जाली कैसे लगाया जाए। देख लीजिए उसी इस हिसाब से बना हुआ, जितना भी देख रहे हैं उसी सब उसी बना हुआ है। एगो में 5 पीस उसी लगाएगा, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, एक पीस में आपको एगो पाटन में आपको 5 पीस लगाया जो 4 फीट के रेंज में आ जाता है। उसमें लगा करके उसके आपको फूल लगाना है। उसके नीचे आप देख रहे हैं कि सी लगा हुआ है, 6 फीट का सी लगा हुआ है। तो 6 फीट का सी मैं आपको दिखा देता हूँ, 6 फीट का सी कैसा होता है। उसी भी आपको बना लेना, सिंपल स्टेज है 12x10 का, देख रहे हैं ना, इसी तरह से उसी रहता है। इसमें एक पेटी में 20 पीस आता है, एक पेटी का 350 रुपये आपको पड़ेगा, एक पेटी का 350 रुपये आपको पड़ेगा। और एक पेटी में 20 पीस आता है। अगर इसको आप काटते हैं तो 5-5 गो पीस का, जैसा कि पहले मैं आपको दिखाया था कि पाटा में लगाते समय, उसको आपको 16 पीस बन जाएगा। आपको 16 गो 5-5 पीस वाला 16 पीस आपको बन जाएगा, यानी कि 16×5=80 पीस से उसी कटता है सिंगल सिंगल। उसको आपको जाली में लगा देना है। जाली में कैसे लगाना है इसका तो मैं बार बार आपको बता ही रहा हूँ कि जैसे कि उसी आप देख रहे हैं कि जाली जो लगा हुआ है, ये उसी में इस तरह से जो जाली सब जो लगा हुआ है, तो मेरे चैनल पर जा करके वीडियो को सर्च मारना है कि उसी में जाली कैसे लगाए, तो वो अपने आप आपको सर्च में आ जाएगा। वहाँ से आप सीख सकते हैं कि जाली में उसी कैसे लगाया जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप 6 फीट का सी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 6 फीट का सी आपको कैसा है। अगर इस तरह का चीज़ आपके पास नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। फिर से आप अगर समझना चाहते हो तो समझ सकते हैं। सिंपल स्टेज सजाने के लिए जो, जैसे कि मैंने आपको कहा था 12x10 में है, 12 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा, तो आपको 7x4 का 3 गो पाटा लेना है। उसमें देख रहे ना, 7x4 का ही पाटा है, 7 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा, 7x4 का आपको 3 गो पाटा लेना है। या नहीं है अगर आपके पास तो आपको बनवा भी सकते हैं, किसी भी बेल्डर के दुकान में जा करके आपको बोलना है कि 7x4 में 7 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा में हमको बनाना है पाटा, तो आपको बना देगा। फोटो आप इस तरह से ये वीडियो में से स्क्रीन शॉट लेकर के उसको आप दिखा सकते हैं, तो आपको बनवा देगा। देख लीजिए इसी हिसाब से 1 इंची में बनवाना है या 1 इंची में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 इंची में भी पैप, 1 इंची पैप में भी बना हुआ, 1 इंची स्क्वायर पैप में भी बना हुआ है। और ये जो है 1 इंची स्क्वायर पैप है, ये हुआ 1 इंची स्क्वायर पैप जो हल्का हौला होता है, ये हुआ 1 इंची स्क्वायर पैप जो हल्का भारी होता है। तो आप देख लीजिए रेट के, दोनों का रेट में डिफरेंस है। ये थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा, सॉरी ये 1 इंच वाला पैप आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, ये 1.5 इंच लीजिएगा तो महंगा पड़ेगा। तो अपने हिसाब से देख लीजिए। इस तरह का उसी जो है आपको पाटा में लगाने के लिए आपको 3 पीस लेना है, और नीचे जो आपको सी लगा हुआ है 6 फीट का सी, उसमें लगाने के लिए आपको 4 पीस लेना है, यानी कि टोटल वो 7 गो पीस उसी का काम है। आपको टोटल आपका जो है उसी का काम 7 पीस का काम है। और फ्लावर का तो मैंने आपको बता दिया था कि ऑर्किड आपको लेना है, ऑर्किड अगर आप लीजिएगा तो ऑर्किड आपको लेना है 200 पीस, कार्नेशन आपको 500 पीस लेना है, कार्नेशन फ्लावर होता है, कार्नेशन फ्लावर आपको 500 पीस लेना है, उसी सात गो पीस लेना है 5 पीस वाला। और इसके बाद कपड़ा आपको 2 मंडल लेना है, 30-30 फॉल्ट का कपड़ा आता है, वो आपको 2 मंडल लेना है, ठीक है। और मिस्टीरियम, जैसे कि बोला था मिस्टीरियम लटकाने वाला, जो मिस्टीरियम आता है 3 पत्ती लटकन, वो जो है आपको 1 दर्जन लेना है, जो 600 रुपया में मिलेगा आपको 1 दर्जन, 600 रुपये दर्जन में मिलता है, यानी कि 50 रुपये पर पीस आपको पड़ गया। तो मैं आपको सी के बारे में आपको दिखा देना चाहता हूँ कि सी 6 फीट का जो सी होता है वो किस तरह से होता है, कैसा रहता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए फ्रेंड। यही 6 फीट का सी हुआ है जो आप देख रहे हैं, ये 6 फीट का सी है, देख रहे पूरा राउंड में जो है इसी तरह का 6 फीट का सी बनता है। अगर ये आपको बनवाना है तो 150 रुपये पर केजी बनता है ये सी, देख लीजिए ये 6 फीट का सी हुआ। यही आपको 3 गो पाटा का डेकोरेशन करने के बाद जो है बीच में 20 सेंटर में यही लगा हुआ है, 6 फीट का सी हुआ, देख लीजिए इसको, इसी को 6 फीट का सी बोला जाता है। इसका जो ये हाइट आप देख रहे हैं, देख लीजिए ये जो इसका जो ये जो हाइट है ये 5 फीट हुआ। इसका जो चौड़ाई जो है, चौड़ाई यहाँ से वहाँ तक इसका जो चौड़ाई है ये आपको 6 फीट हुआ, इसलिए इसको जो है 6 फीट का सी बोला जाता है। यही आपको 20 सेंटर में लगेगा। तो आप समझ ही गए हैं कि मतलब कि सिंपल स्टेज जो, जैसे कि 12x10 का जैसे सिंपल स्टेज मैंने आपको बताया था, तो उसको डेकोरेशन करने के लिए इसमें क्या क्या चीज़ लगेगा, कितना फ्लावर लगेगा, कौन सा पाटा लगेगा, कौन सा सी लगेगा,
तो इतना आप समझ ही गए हैं कि क्या इसमें क्या क्या चीज़ लगेगा। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।